देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बाजारों की चाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे नॉन एग्री और एग्री कॉमोडिटीज की कि किस कॉमोडिटी में तेजी और मंदी देखने को मिल रही है और किस कॉमोडिटी में आप आगे कारोबार और बिकवाली करके चल सकते हैं। और इन सब पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित सजेजा मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट। अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी पर। अमित जी शुरुआत करेंगे नॉन एग्री कॉमोडिटी में, सोने चांदी से बात करते हैं। दो दिन की बढ़त के बाद आज सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है। बता दें कि सराफा बाजार में सोना 723 रुपये सस्ता होकर 51,581 रुपये पर आ गया है। वहीं अगर चांदी पे नज़र डालें और चांदी की बात करें तो ये 2,072 रुपये सस्ती होकर 56,081 रुपये पर ये देखी गई है। तो आपको क्या लगता है कि सोने चांदी के बाजार में जो आज गिरावट देखी गई है ये जारी रहेगी या इसमें आगे जाके फिर कोई तेजी का बदलाव देखने को मिल सकता है? जी देखिए, हमने डॉलर इंडेक्स में रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखी है और लगातार इसमें नई ऊंचाइयां बन रही है, जिसके चलते गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही प्रेशर या दबाव बना हुआ है। हमने रिसेंटली $1,785 के जो लोज थे गोल्ड में, स्पॉट गोल्ड में, वो भी टूटते हुए देखे हैं। तो फिलहाल जो यू नो पार्ट ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस है, यानी जो यू नो जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ ज्यादा है। इमीडिएट तौर पे $1,745 और उसके बाद $1,720 तक जाने की संभावना बनी हुई है स्पॉट गोल्ड में। इसका मतलब जो हमारे यहाँ पर स्पाइक देखी गई थी कस्टम ड्यूटी हाइक के बाद में, जहाँ पर 52,200 के आसपास आ गई थी दाम, उसके बाद लगभग 1,000 रुपए एमसेक्स पर गिर चुकी है प्राइस। और ऐसा लगता है कि करंट लेवल से ऑलरेडी यू नो और करीबन 400 से 500 रुपए की गिरावट और बनेगी इमीडिएट तौर पे। तो मैं समझता हूँ कि जो पुराने सपोर्ट्स थे, जो पिछले हफ्ते 50,600 से 700 के रीजन में हमें प्राइस घूमते हुए दिख रही थी गोल्ड की, वो एक बार दोबारा टेस्ट हो सकता है। वही चांदी की भी बात करें तो चांदी में तो मल्टी मंथ लोस जो टेस्ट किए हैं 56,000 के करीब के, और ऐसा लगता है कि 55,200 से 300 तक के स्तर भी हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिलेंगे, यानी $19 के नीचे या $1,850 के करीब हम प्राइस को जाता हुआ देख सकेंगे कॉमिक्स पर। तो इसके चलते जैसे मैंने बताया 55,000 के करीब के दाम है, उछालते अब भी रिक्वाली करने चाहिए। इमीडिएट तौर पर 59,000 का एक रेजिस्टेंस होगा ब्रॉडली मीडियम टर्म बेसिस, यानी नेक्स्ट हफ्ते 10 दिन के लिए मुझे नहीं लगता कि 59,000 से ज्यादा ऊपर प्राइसेस निकल पाएंगी, और एक सेलोन रैली का रुझान हमें दोनों में ही गोल्ड और सिल्वर में देखने मिलेगा। अमित जी अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो आज कच्चे तेल की बात करें तो एमसीएक्स पर ये $100 के आसपास कारोबार करता दिखा है। तो अमित जी जैसा कि रिपोर्ट में भी कहा गया है कि क्रूड ऑयल के दामों में गिरावट सिर्फ इस साल नहीं बल्कि अगले साल भी जारी रह सकती है, तो आपको क्या लगता है कि कच्चे तेल में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि गिरावट भी देखी जा रही, तो आगे क्या कुछ बदलाव इसमें मिल सकता है देखने को? जी देखिए, फिलहाल जो ये रिपोर्ट है, ये सिटी ग्रुप की रिपोर्ट है, जिन्होंने अमेरिका और जो लीडिंग इकोनॉमीज है ग्लोबली उनमें रिसेशन को डिस्काउंट करते हुए कहा है कि क्योंकि डिमांड में कमी आएगी और सप्लाई भी जो है फिलहाल तो कम है, लेकिन बाद में आगे चल के पर्याप्त सप्लाई हो जाएगी, जिसके चलते जो प्राइस है वो नीचे जा सकती है। खैर ये उनका ओपिनियन है, मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म बेसिस यस $95 का एक टेक्निकल ब्रेकडाउन लेवल है। अगर उसके नीचे चलने लगती है WTI क्रूड में तो ये पॉसिबल है कि हम $85 से $80 तक प्राइस को जाता हुआ देख पाएंगे, यानी भारतीय बाजारों में एमसीएक्स पर 6,600 से 6,800 तक के लेवल देख पाएंगे। तो फिलहाल यस दबाव बना हुआ है क्रूड के दाम में और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो निचले स्तरों की संभावना फिलहाल ज्यादा दिखाई दे रही है। जी अमित जी अगर बेस मेटल की बात करें तो बेस मेटल के बाजार में भी गिरावट देखने को मिली है, तो आपको क्या लगता है कि बेस मेटल का बाजार आगे क्या कुछ इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है, क्या तेजी बनेगी या ये गिरावट जारी रहेगी? देखिए शॉर्ट टर्म रिलीफ रैली इज फाइन, लेकिन मुझे लगता है कि दोबारा हमें 655 से 60 के बीच एक रेजिस्टेंस नजर आएगा। वहां तक रिलीफ रैली आने के बाद दोबारा जो सेलिंग है वो रिज्यूम हो सकती है और 618 से 620 तक के स्तर हमें M6 कॉपर पर दिखाई दे सकते हैं। वही जिंक में भी फिलहाल बिकवाली का दौर जारी है और ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी हमें न्यू रिसेंट लोज करीबन 265 से 264 तक देखने मिलेंगे। तो फिलहाल मुझे शॉर्ट टर्म रिलीफ रैली की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, जहाँ से प्राइजेस हो सकता है कि 10 से 12 रुपए बढ़ जाए 653 से 55 तक,
लेकिन 660 के जब तक नीचे रहेंगे तब तक कॉपर में ब्रॉडली एक सेल ऑन रैली का रुझान रहेगा या उछाल से दीपावली की जा सकती है। जी अमित जी, मेरा आपसे नॉन एग्री कमोडिटी पे एक ये सवाल रहेगा कि इंट्राडे में इस हफ्ते क्या कुछ करके चला जा सकता है नॉन एग्री कमोडिटी में, और किस कमोडिटी में आगे कारोबार करके चलना चाहिए? जी देखिए, नॉन एग्री कमोडिटीज में मेरा मानना है कच्चे तेल में दिखवाली करके चल सकते हैं 8,000 से 8,030 की जोन में। डाउन साइड में एक नया रिसेंट लो 7,800 के करीब का दिख सकता है। वहीं पर गोल्ड या सिल्वर दोनों में से एक में फिलहाल बिकवाली करके चल सकते हैं। गोल्ड ने जैसे भी एक ब्रेकडाउन दिया है 51,350 का एक टेक्निकल ब्रेकडाउन दिया है, और उसके नीचे जब तक रहेगी प्राइसेस तब तक 51,000 और उसके बाद 50,850 तक जाने की शॉर्टम बेसिस की एक संभावना बनी हुई है। जी तो जैसा कि अमित जी ने बताया कि नॉन एग्री कमोडिटी में आप गोल्ड सिल्वर में या फिर कच्चे तेल में आगे बिकवाली करके चल सकते हैं। अमित जी यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे एग्री कमोडिटी पे और जानेंगे कि हमें क्या कुछ करके आगे चलना चाहिए।